मिनट्स टाइम, बट इट्स रियली नाइस टू नो हम कहाँ कहाँ से हैं और कैसी कैसी एस्पिरेशंस लेकर, कैसे कैसे सपने लेकर वी आर हेयर टुडे, प्रेजेंट हेयर. तो शिल्पा, कहाँ से हो आप? I'm from Bangalore. ओके. I just started since 6 months. I started my hampers business, gifting. Yeah, I really want it to grow. वंडरफुल शिल्पा. तो शिल्पा, लाइफ का एम क्या है? बिजनेस तो ग्रो होगा, मतलब हाउ डू यू, भाई फिर से लार्जर पिक्चर, व्हाट, हाउ डू यू सी योर बिजनेस ग्रोइंग? Yeah, I want to open my store. वंडरफुल, यस. ए जनरली अगर एक घर से बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा हो तो इट टेक्स यू 1 ईयर टू ओपन अप अ स्टोर. मेनी ऑफ आर स्टूडेंट्स हैव ओपन्ड अप द स्टोर्स. इट टेक्स 1 ईयर. बट देन इफ इट इज रनिंग वेल फ्रॉम होम, तो बस आपको यही फोकस होके घर से बढ़िया से काम करना है. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. हु एल्स वुड लाइक टू स्पीक कि वो कहाँ से है? दिस इज ऑल्सो अ वे टू फॉर मी टू नो यू बेटर. विद्या, विल यू लाइक टू स्पीक? Yes, आई yes. Okay. I'm also विद्या एंड देन Vidya. शिवा. हाँ जी विद्या. I'm from Virar and I'm a teacher. And just now I've just finished with my course from Salsavila Academy, that is from Surat. So I've just learned that how to make hampers, and I've just created a few, around say 8-10 hampers. So it's just started. Now, when festivals come, then I will have my hands on. By the time I'll have my hands on practice, and then I will start. So how did they teach you? Did they give you some materials to make? No, they give us the addresses, and then we can go and inquire over there and buy if you feel it is okay. And after that, I have other friends also who are in this field. Then they also share with their addresses, and then I pick up नहीं, then how did they teach you? online, online now. Online. So you are making it online. Great. It's a good Yes. platform to learn. Thank you. Yes, Shivam. Will you like to speak? Shivam Kohli, is it your name or somebody's? This is Shivani Kohli. Shivani. शिवानी, पर यहाँ पे वो शिवम आ रहा है. I don't know something. Yes, hi. So I was following you on Instagram since past few days. So, ओके. I'm not in the hamper business, but I used to work as a teacher, like in pre-primary. I was a pre-primary teacher. So nowadays, these hamper thing is quite fascinating me. So I it can be start like this business can be start from home. So that's why I'm here. So I have few queries which I am looking forward to ask from you. बिल्कुल. सो इट्स 3 o'clock ऑल्सो, वी कैन स्टार्ट. सो पहले तो मैं फॉर्मली आप लोगों को वेलकम कर दूं. सो वेलकम एवरीवन. जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए कुछ पल चाहिए होते हैं, कुछ पल. और आपको किस वक्त कौन सी कॉन्वर्जेशन अपने जीवन के अंदर, किस वक्त कौन सा इंसिडेंट आपकी जिंदगी को पलट दे, आपको नहीं पता. तो आई टेक 2 मिनट्स टू टेल यू हाउ आई हैव रीच हेयर. तो 20 साल आई वॉज अनमैरिड इन अमृतसर. अमृतसर में थी, बहुत बहुत रिच पापा की बेटी. और फिर कानपुर शादी हुई और 20 साल वहां रही. दोनों घर बहुत संपन्न थे और दोनों घर इकट्ठे क्रैश किए. पंजाब में राइट्स हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत क्राइसिस में आए. कानपुर के अंदर और तरह की प्रॉब्लम थी. और एक दिन मेरे पास घर में 8 गाड़ियां थी और एक दिन मेरे पास घर में एक भी गाड़ी नहीं थी. इट वॉज मोर और लेस लाइक दैट. डिटेल में नहीं जा रही हूँ पूरा. एंड देन आई केम टू दिल्ली टू डू एक्सपोर्ट्स. मेरे पापा का बहुत बड़ा यूनिट था दिल्ली में, जो एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए कपड़ा प्रिंट करता था, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए. इन 1974 वो यूनिट बनाने की कीमत 14 करोड़ थी. आप सोचिए, आज के दिन इट इज मोर देन 200 करोड़ जिसमें होगा. तो मुझे ये था कि मेरे पापा बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो मैं एक्सपोर्ट करूंगी टेबलवेयर. मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छी थी, फूल पत्ती बनाने में बहुत अच्छी थी और टेबल सजाने का बहुत शौक था. तो मैंने ये सोचा मैं नैपकिन रिंग्स बना के, सब रिंग करके, ऐसे करके एक्सपोर्ट करूंगी. और मेरा जो, मेरे पापा तो बीमार रहने लग गए थे, पर मेरा जो मुझसे छोटे वाला ब्रदर था वो यहाँ आया. उसने बोला हाँ तू आ जा. एंड अगेंस्ट माई इन लॉज के विशेज, अगेंस्ट एवरीबडी, मेरी 13 साल का बेटा था, 16.5 साल की मेरी डॉटर थी, उनको मैंने समर वेकेशंस के अंदर पैक करा.
और मैं दिल्ली आ गई। और आप मानोगे नहीं, मतलब आपको लगेगा शालिनी झूठ बोल रही है, उससे पहले मैंने आज तक कभी सब्जी नहीं खरीदी थी घर जा बाजार जाके। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि एप्पल 125 रुपीज अ किलो होता है, क्योंकि हम बहुत पुराने घर बुचारों पुराने लिविंग स्टाइल में रहते थे। तो एक महाराज होता था, वो सुबह डायरी लेके आता था, आपसे पूछता था आपने क्या खाना है, और वो आ जाता था और हम खा लेते थे। वी वर थर्ड जनरेशन। एंड आने के बाद मुझे रियलिटी का, लाइफ का पता लगा कि 10,000 रुपए में घर नहीं चल सकता। मुझे लगता था 10,000 में घर चल जाएगा। और लेकिन बहादुर थी मैं, आई वॉज 42। गिफ्ट पैकेजिंग केम टू मी जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले तो फैमिली का गिरना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बना फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं कोई ये बोल रही होती पनीर बनाओ, भिंडी बनाओ, टिंडे बनाओ, या दूसरे की देवरानी जेठानी बुराई सेशन में लगी होती, या गहने बना रही होती, गहने गड़ा रही होती। क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो मैं यहाँ आई, नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज मैं कुछ हैंडक्राफ्टेड वर्क देख रही थी और गिफ्ट पैकेजिंग बिल्कुल भगवान के जैसे होते, किसी दोस्त ने किसी से मिलाया जिसको गिफ्ट पैकेजिंग चाहिए थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझसे रिक्वेस्ट की, शालिनी तेरी क्राफ्ट बहुत अच्छी है, प्लीज इसका कर दे। और मैंने वो किया। वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से थे, उन्होंने मुझे अपने यहाँ शादी पे बुलाया, लोग पैकिंग देख के पागल हो रहे थे। एंड दैट डे आई डिसाइडेड आई विल बिकम अ गिफ्ट पैकर। इतना रोना गाना हुआ घर में, डब्बे वाली डब्बे बनाएगी, ये करेगी, मारवाड़ी लोग ना डब्बा बना का घर चाल सीखे, अहिया कर सीखे को मैं पीसा देगा, तू फैक्ट्री लगा ले। मतलब बहुत सारा क्रिटिसिज्म था, बहुत सारी गालियां पड़ी, लेकिन मुझे ये पता था कि ये बिजनेस है। मैंने रिसर्च किया एंड विद इन 4 ईयर्स आई वॉज एट 2.5 करोड़। मेरा मैक्सिमम टर्नओवर वो प्री कोविड 8 करोड़ तक गया, और 2.5 करोड़ तो मैं 4 जनों के लोग बीच में थी। आपको नहीं मालूम होता है किस पल क्या आपका डिसीजन, क्या आपका सोच, क्या आपका एक्शन आपका जीवन बदल देगा। ना मैं वहां से आती, ना मैं काम करती, ना मैं मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट मानती, ना मैं पैकिंग करती, ना मैं वो पैकिंग करती, तो मुझे ये पता लगता कि ये बिजनेस इतना बड़ा है और इसको करें। सो टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दैट फ्यू इंसिडेंट्स ऑफ माई लाइफ। कैसा लग रहा है सुन के? हाँ, बहुत अच्छा. तो जितने लोगों को ये लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल में है, जल्दी से वो ये देखो, जल्दी से ये देखो, वहां से बहुत अच्छा क्या हो सकता है। उसी वक्त क्योस से क्रिएशन होती है। तो अभी नीतिका थोड़ी ढीली है, हमारा सोल्जर ढीला है ये थोड़ा, नहीं तो ये तो बड़ी जबर है। तो ये नीतिका को देख के मैंने पूरी बात सुनाई है कि नीतिका हेल्थ जैसा भी कर रही हो, सामने आमने कैसा भी हो रहा हो, हमेशा जिस समय चीजें लगता है ना गड़बड़ हो रही है, उस वक्त यूनिवर्स घंटी बजा रहा होता है, इट इज अ टाइम टू बेटर योर लाइफ, इट इज अ टाइम टू बेटर योर लाइफ। और आप सोचिए, नितिका और मुझे मिला के, नितिका तो ऑलरेडी कोर्स कर चुकी है, वी आर 41, यू पीपल आर 41 पीपल है, और उस 41 में से 5-6 है वीडियो पे, बाकी सब मुझे सुन रही होंगी, कुछ लेटी हुई सुन रही होंगी, कुछ ऐसे जैसा भी हो रही हो। कम से कम ये मैसेज कि आज आस्क मी एनीथिंग है मस्ट हैव गॉन टू मोर देन 2,000 पीपल। यू आर 41 पीपल हियर, तो आज के दिन कुछ तो बदलेगा। तो अपने आप को प्लीज पहले तो थपथपाओ अपनी पीठ को, प्रे, यू नो, जस्ट प्रेज योर सेल्फ कि आई एम द वन हु वांट टू चेंज माय लाइफ। तो जो लोग वीडियो में नहीं है पर अगर सीरियसली सुन रहे हैं, तो अपने आप को, चैट को यूज करो और अप्रिशिएट करो अपने आप को, दैट आई एम हियर टू चेंज माई लाइफ, आई एम हियर टू डू समथिंग अबाउट इट, आई एम हियर टू ग्रो इन दैट स्पेस, आई एम हियर टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप यहाँ पे क्यों है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए है? यस है? मैम. यस हाँ, मैम. यस मैम. ओ,
हाँ तो लिख रही है शीतल शाह, आई एम हियर टू डू समथिंग, समथिंग नहीं, वी रियली नीड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम मालिक अपने जीवन का। जब खर्चा कहूँ मैं खर्चू, मेरे पास मेरा पैसा होना चाहिए। मैं ना 42 ईयर्स तक हर चीज के लिए, अजय प्लीज साड़ी खरीदना पैसा दे दीजिए, पापा हमें हॉलीडे पे जाना है, अच्छा 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, नो पापा आई वॉन्ट टू स्टे देयर, आई नीड मोर मनी, दो बच्चे लोग भी हैं साथ के अंदर, और आज आई प्लान माई वेकेशन, आई टुक माई फैमिली टू वेकेशन टू गंगोत्री, आई फुट ऑल द बिल, मैंने प्लान किया, मैंने कहा चलिए मेरे तरफ से है ये सारा छुट्टी, एंड आई पैक माई हस्बैंड एंड माई सन, चलो चलते हैं, एंड आई प्लान द वेकेशन, दे एंजॉयड देमसेल्फ हॉलिडे, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू डू दैट, कि चलो मेरे साथ चलो मैं लेके चलो। तो उसके लिए आज का जो सेशन है आस्क मी एनीथिंग इज अबाउट, हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके हमें आंसर नहीं मिलते हैं, एम आई राइट, हम कंफ्यूजन में होते हैं, डर भी रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता लगता कि हम ये आंसर कहाँ से लें। 2002 से मैं काम कर रही हूँ और 19 साल में मेरी शादी हो गई, हिंदी मीडियम की मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इन दीज 22 ईयर्स, आई एम 64 रनिंग राइट नाउ, मेरे पास, मैंने बहुत कुछ देखा, पैसे की कमी, पैसे का ज्यादा होना, बिजनेस का अच्छा नहीं चलना, बहुत अच्छा चलना, क्लाइंट को मिलना, तो मुझे ये लगता है कि मैं एक्सपीरियंशियल लेवल पे आपको ये आंसर दे सकती हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू नो दैट, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू नो। और फिर जब मैं जा नहीं रही थी ना 2.5-3 करोड़ से ऊपर, तो मेरे मन में ये भी शक शुबा हो रहा था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए मैं ग्रो नहीं कर रही हूं, मन में दिमाग में ऐसे ऐसे घूम रहा था, अरे शालिनी तू पढ़ी लिखी नहीं है, तूने बिजनेस का कॉन्वर्जेशन नहीं सीखा है, इसके लिए यू आर नॉट, यू डोंट नो एनीथिंग। फिर मैंने एसपी जैन से WMP प्रोग्राम किया, BCI बिजनेस कोच इंडिया किया, 4 साल टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम SELP किया, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारा, जितना पढ़ी उतना दिमाग घूमने लग गया, ऐसे 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 डिप्रेशन होने लग गया यार, एक बिना ज्यादा मतलब ग्रेजुएट नहीं है, कोई हिंदी मीडियम है उसको तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सिखा रही हो, कहाँ से पढ़ेगा। तो मुझे ये भी समझ में आया कि विमेन जो घर में है, जिन्होंने अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग करने के लिए या किसी भी कारण से काम नहीं किया, या जो लड़कियां कॉलेज से अब आगे निकल रही हैं, राइट, तो हु डजंट हैव अ बिजनेस एजुकेशन बट वांट टू ग्रो, उनको ये काम नहीं आ सकता है, उनके लिए एक दूसरा रास्ता है जिसे सीख के वो ग्रो कर सकती हैं। सो विद दैट नॉलेज आई एम हियर विद यू टुडे। सो आज का ये प्रोग्राम किसके लिए है मैं आपको बता दूं, ये उन विमेन के लिए है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए आपको, मैं उससे नीचे के लोगों को काउंसिल नहीं करती, और ये उनके लिए जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, जो अपने जीवन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, जो घर से काम करके बड़ा बनना चाहती है। सो आर यू वन ऑफ देम? मैं यहाँ कोई भी डिजाइन बनाना आज नहीं सिखाऊंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, और फिर अगर आप गिफ्ट पैकेजिंग के कोई प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे जो मैं रन करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले आपके प्रश्न, और आपके प्रश्नों के लिए पूरा 1 घंटा आपके पास में है, तो क्विकली यू विल आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस इन योर माइंड एंड आई विल आंसर। तो हु इज गोइंग टू आस्क मी फर्स्ट, कौन पूछेगा सबसे पहले बताइए। यस मैम, हो मैम आई एम सोनल। सोनल, थोड़ा सा 1-2 लाइनों में अपने बारे में बताओ। मैम आई एम सोनल अग्रवाल एंड आई एम डूइंग ऑलरेडी दिस पैकिंग बिजनेस। बट मैम मुझे लगता है कि शायद जो आजकल जो चल रहा है मैं उससे थोड़ा पीछे रह रही हूँ। मैं उसको ओके, कोप अप नहीं कर पा रही हूँ ऐसा क्यों तो लग रहा और है थोड़ा आपको, इसी वजह से, क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे मैं मैम सॉरी मैम आपके डिजाइन्स देखती हूँ या मैं और किसी की भी इंस्टाग्राम पे देखती हूँ रील्स वगैरह, तो मुझे लगता है कि मैं वो डिजाइन्स मेरे पास नहीं है, मैं बना नहीं पा रही हूँ वो डिजाइन्स। तो मुझे लगता है कि शायद और क्लाइंटेज अब जहाँ पे मेरे है शॉप वहाँ पे क्लाइंटेज बहुत बहुत एक्सट्रीम कम हो गई है।
मतलब पहले मेरे पास जब मैंने पैकिंग का स्टार्ट किया था तो इस मार्केट में सिर्फ मेरी ही शॉप थी पैकिंग के लिए। तो और दूसरा मैंने बहुत सिंपल पैकिंग से स्टार्ट किया था, घर से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे शॉप पर हम लोग आए, शॉप से स्टार्ट किया ट्रेस बास्केट्स ये सब कुछ। और हम लोग जैसे कुछ और इसके अलावा एक्स्ट्रा आइटम्स भी रखते थे, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। तो मतलब मेरी शॉप एक डिफरेंट आइटम्स के लिए और एक पैकिंग के लिए काफी फेमस थी। अब ऐसा लग रहा है वन जैसे मिनट धीरे वन धीरे मिनट वन मिनट वन मिनट, दिल्ली कौन से सिटी से हुआ? और एरिया कौन सा है? रोहिणी। तो हम आपके ना दो प्रश्न है यहाँ पे सोनल। हाँ वन जी इज कि मेरी एक शॉप जो बहुत ही फेमस थी डिफरेंट चीजों के लिए जानी जाती थी, आज के दिन मुझे ये लगता है आई एम नॉट अपडेटेड एंड आई एम यस मैम नॉट एबल टू कोप अप विद व्हाट इज गोइंग ऑन टूडेज टाइम। यस मैम ठीक है, वन। यस मैम दूसरा, आपने ये बोला कि अब क्लाइंट्स मेरे पास बहुत कम हो गए हैं, पहले मेरी एक शॉप थी अब बहुत सारे शॉप्स हो गए। हाँ जी यही दोनों प्रश्न है आपके? तो हाँ जी अभी मैं आपको इन दोनों प्रश्नों का पहले बताऊं। क्लाइंट कम, ये दिस इज फॉर एवरीबडी, क्लाइंट आपके पास कम कब होता है? क्लाइंट आपके पास कम कब होता है ये बताएंगे कोई मेरे को? उसको जब वैरायटी आप नाम मिले, जब जब उनके उनके पास अदर ऑप्शंस रहेंगे पास क्लाइंट के सेम चॉइस की चीजें लोअर रेट पे, नहीं है ना, उसको दूसरी जगह जो चीजें अच्छी मिलने लग जाती है। वंडरफुल। तो मैं ये चाहूंगी शीला जी इतना अच्छे से बोल रहे हैं तो विंडो पे भी आओ, कैमरा ऑन करो। तो जब क्लाइंट को उसके पसंद की चीजें नहीं मिलती, नंबर वन, देन और भी चीजें और भी है। नंबर टू, कंफर्ट ऑफ बाइंग नहीं है, लिख ले, कॉपी पेंसिल नहीं है तो लेके आओ, नोटबुक्स नहीं है तो लेके आओ। तो कंफर्ट ऑफ बाइंग नहीं है, मींस मैं आज ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ, मैं यहाँ बगल से जाके खरीद सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। देन ऑल्सो अगर आप कहीं इंटीरियर्स में हो कहीं हो तो वो आपके पास नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो झुमरी तलैया में भी आएगा, ये आप समझ के आओ। तो सोनल ऑलरेडी ये बात बोल रही है कि मैं कर नहीं पा रही। कर हम सब कुछ सकते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें ढंग नहीं मिलता, हमें ये नहीं समझ में आते। तो मैं आपसे अब एक बात पूछती हूँ क्लैरिटी में। तो सोनल क्या कर रही होंगी? सोनल मैं आपका बता, सोनल पिंटरेस्ट पे डिजाइन देख रही है, सोनल दूसरों के इंस्टाग्राम पे डिजाइन देख रही है। अब सोनल को, सोनल कहती है शालिनी मैम मैं आपके डिजाइन भी देख रही हूँ। वो जितने भी ये डिजाइन देखती है तो उनको वो सारे डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं और अपना डिजाइन कम अच्छा लगता है। सोनल एम आई राइट? सोनल एम आई राइट, है ना? देखो ये है, अब अगर मुझे मेरे डिजाइन को यस मैम इम्प्रूव करना है ना, हाँ, अब अगर मुझे मेरे डिजाइन को इम्प्रूव करना है तो अब तो बहुत आसान है। अगर मैं कोई डिजाइन देख रही हूँ मुझे इम्प्रूव करना, सो आई नीड टू हैव द राइट मटेरियल एंड टू मेक द डिजाइन। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू विल से, मैं सोनल इन्हीं लोगों से पूछ के आपको बता रही हूँ, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू विल से कि मेरा डिजाइन बहुत अच्छा है उसके बाद भी ज्यादा नहीं बिक रहा है? हमारे पास कोई ऑलरेडी काम कर रहा है कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा डिजाइन अच्छा है, उसके बाद भी नहीं बिक रहा? मेरा मेरा बहुत अच्छा हो। आई एम वेरी क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू मी एट लीस्ट। एंड देन यू फील इट इज टू नॉट सेलिंग दैट मच, राइट? मेनी हाँ, तो कॉम्पिटिशंस। शीला कह रही, शीला पहले तो आराम से बैठ के सामने करें, बिजनेस की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बिजनेस वुमन की तरह करेंगे, ठीक है? नहीं आया ना, बात मैं हाँ सामने ही हूँ। अच्छा, हमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कैमरा पीछे ओके करेंगे तो ढंग से नजर आएगा। ओके थैंक यू सो मच। तो शीला कह रही है कॉम्पिटिशन, पहले जब तक इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था ना, हमें सामने वाली गली में क्या हो रहा है ये पता नहीं होता था। अभी इंस्टाग्राम और गूगल से हमारे घर के बगल मतलब 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है तो हमें बैठे हुए पता, तो हम इनसिक्योर होते हैं कंपटीशन में, राइट? कंपटीशन हमें यस हेल्दी करता है, कंपटीशन हमारे डिजाइन को, हमारी मैम प्रोडक्ट लाइंस को बेटर करता है, कंपटीशन हमें ये बताता है वेयर टू टेक द बिजनेस ऑन। प्रॉब्लम क्या है, हमने सबने कैसे काम करना शुरू किया? हम क्रिएटिव थे, हमारा काम करने को दिल किया, हमने एक दिन डिसाइड किया हम काम करेंगे, फिर हम पैकिंग का काम करेंगे, हम फूड का काम करेंगे, हम केक का काम करेंगे, वॉट एवर काम वी विल डू वी विल डू। फिर हमने कुछ पैसे अपने पर्स में डाले, कुछ पिंटरेस्ट को देखा, कुछ इंस्टाग्राम को देखा, कुछ नोट वोट किया, फिर हम बाजार गए।
बाजार से हमने कुछ कुछ चीजें खरीदी। अब ऑलरेडी फैमिली तो हमें अप्रिशिएट कर ही रही थी, यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी क्रिएटिव। फिर हमने कुछ कुछ बनाया और उसको बेचा। जब हमने उसको बेचा तो कुछ फैमिली ने खरीदा, कुछ रिश्तेदारों ने खरीदा। वी वर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी क्रिएटिव, वी आर वेरी क्रिएटिव। 2 3 4 महीने कुछ लोगों ने कुछ 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 खरीदा एंड आफ्टर दैट उन्होंने भी खरीदना बंद कर दिया। फिर तुमने उन चीजों को गिफ्टिंग में यूज करना शुरू किया, फिर वो करते करते भी थक गए, एप्रिसिएशन से भी थक गए। फिर ये सोचा या तो इस काम को बंद कर दूं या चल कोई बात नहीं, जो आएगा उतना ही ऑर्डर कर लूंगी, थोड़ा बहुत आएगा वही कर लूंगी। तो अपने आप को कहा कंपटीशन बहुत है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मैं तो बच्चे पाल रही हूँ, मुझे उसमें टाइम नहीं मिल रहा है, 100 लोगों के एक्सक्यूज बनाए। बट अंदर से हम चाहते हैं हम ग्रो करें, हम उसे बंद नहीं करना चाहते, हम ब्लेम नहीं करना चाहते, बट हम ये करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस? दिस इज वॉट वी डू। मेरे 2007 से मैं कोच कर रही हूँ, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल बना चुकी हूँ, शॉर्ट टर्म तो पता नहीं कितने हो चुके। हर जगह की यही कहानी है, हर जगह की। इंडियन विमेन वो अपने आप के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करती, वो अपनी ट्रेनिंग को नहीं करती है, वो सीखने की जितना आदत है ना, खूब अच्छा बनाया खाना, यंग बच्चे की तरह पापा ने प्रेस किया, सबने प्रेस किया, और वो उस बड़ाई में हम ग्रो होते हैं, उसी के अंदर हम खाना बनाना अच्छा सीखते हैं, सजाना अच्छा सीखते हैं। लेकिन क्या किसी ने भी ये कोशिश की हम बेचना अच्छा सीखें, हम अपने क्लाइंट को खोजें? नितिका नाहटा ये बैठी है यहाँ पे, शी इज माई वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर स्टूडेंट, और ये अभी तक नेशनल नहीं हुई है। यस मैम, एंड आई हैव स्टूडेंट्स वे आर दे आर वे बिहाइंड हर, वे बिहाइंड। मैं इसके प्रोजेक्ट देख रही थी, थीम क्या प्रोजेक्ट उस दिन हैम्पर्स का, पेंटिंग का बनाया हुआ, ये बनाया हुआ, एक स्टूडेंट वैसा डिजाइन नहीं बना पा रहा है, लेकिन ये कोई नेशनल नहीं हुई, बिकॉज दैट वे टू ग्रो द बिजनेस इज द वे टू ग्रो द बिजनेस। इसमें आप बदल नहीं सकते हो। अगर बिजनेस की ग्रोथ ये डिमांड करती है, सोनल ये आपके लिए है, सबसे पहले ये देखना, सबके लिए है बल्कि, कि मेरा क्लाइंट कौन है। सब कोई आपका क्लाइंट नहीं हो सकता। अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि आपका क्लाइंट हर कोई है, तो नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल सबको देती हूँ, आज फिर बोलूंगी, कम से कम 1000 बार रिपीट कर चुकी हूँ। आप में से बहुत जने मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो। भिंडी का सीजन चल रहा है, फुटपाथ पे वो भिंडी 20 रुपया किलो मिलती है, ठेले वाला आपके घर के लेकर आता है, वो 40 रुपया किलो देता है, शॉप में वही भिंडी 55 रुपए किलो हो जाती है, और मॉडर्न बाजार में वो भिंडी 90 रुपए किलो होती है, लमाश में वो एक टैग लगाता है दिस इज ऑर्गेनिक एंड वो 125 रुपया किलो हो जाती है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या वो 20 रुपए भिंडी खरीदने वाला व्यक्ति 125 की भिंडी खरीदेगा? और क्या 125 रुपए में वो भिंडी लमाश में खरीदने वाला, जिसके वो लमाश की शॉप से निकलता है सामने फुटपाथ पे वो भिंडी पड़ी है 20 रुपए किलो, क्या वो खरीदेगा? नो मैम, तो इसका मतलब भिंडी वही है, कस्टमर वो नहीं है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं किस कस्टमर को बेचना चाहती हूँ, किस कस्टमर को मुझे बेचना है, और फिर अपने प्रोडक्ट को उससे मैच करना है। हम क्या करते हैं, हमें जो पसंद आया हमने बनाया और अपनी पसंद की चीज को डिस्प्ले किया, इसमें क्लाइंट कहाँ है? वेयर इज द क्लाइंट? हाउ डू यू नो कि इंस्टाग्राम के ऊपर शालिनी बेरीवाल के प्लेटफॉर्म पे जो फोटो लगा हुआ है वो बिका है? लिखा है कहीं पे? कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि शालिनी बेरीवाल एक ब्रांड बन गई है और उसने वो फोटो डाला है, तो यू आर थिंकिंग वो बिका हुआ है। एम आई राइट? आपको अंदर तक कुछ नहीं पता। सो यू रियली रियली नीड टू अंडरस्टैंड, नंबर 1, योर कस्टमर, मैंने किस मार्केट में सामान बेचना है,
मेरा कस्टमर टॉप लेवल होगा, मेरा कस्टमर का उम्र क्या होगा, जब तक हम वो नहीं करेंगे, टिल वी आर नॉट डूइंग दैट, हमें ये नहीं पता क्या बनाए। आज जब हमने काम शुरू किया तो दूल्हा दुल्हन कभी भी अपनी वेडिंग प्लानिंग के लिए नहीं आते थे, पेरेंट्स आते थे, वो प्लान करते थे, वही पैसे देते थे, और ज्यादातर वो दादा दादी भी कई बार आते थे। अब सिर्फ ब्राइड ब्राइड्स एंड ग्रूम्स आते हैं, मोस्टली आते हैं पेरेंट्स, पर उनका रोल कितना है, पैसे देने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि बच्चे खुद डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अगर एक 30 साल का बच्चा ये डिसाइड कर रहा है कि मेरी शादी में मुझे ये चाहिए, तो क्या उसका टेस्ट 50 साल की मदर के जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और हम क्या बना रहे हैं जो हम 50 साल की मदर के लिए बना रहे थे? हमने वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं किए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? यस मैम, तो इट इज गुड सोनल कि आपको ये पता लग रहा है कि मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, क्योंकि हमको हम हार मान लेते हैं। आज आप यहाँ हैं, इसका मतलब आप हार नहीं मान रहे हैं, यू वांट टू ग्रो इन दैट स्पेस। तो सबसे पहले आपके जो बेस्ट कस्टमर रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग करिए, वो कौन है, कितने रुपए का सामान वो आराम से खरीदते हैं, कितने, और उन्हें क्या अच्छा लगता है। उनसे एक आधे को फोन करो, इसलिए फोन मत करो कि आपने उनको बेचना है, उनसे ये फोन करो लेटेस्ट में आप क्या बाइंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उनको जान, और फिर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करो। जब मैं दिल्ली आई और जब मैंने काम करना था, तो मैं एक बहुत अमीर घर से थी, ये सीखने की चीज है। मैंने इंस्टिंक्टिवली किया, मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस फंडामेंटल की एक सीक्रेट है। तो मैंने बोला कि मुझे तो 5 लाख रुपया रोज महीना में चाहिए, नहीं तो गाड़ी नहीं होगी, ड्राइवर नहीं होगा, कुक नहीं होगा, खाना तो बनाना ही नहीं आता था ढंग से, तो 5 लाख रुपये मुझे कौन देगा? 5 लाख रुपए की इनकम कौन देगा मुझे? जिसके पास में, जिसकी शादी कम से कम 15-20 करोड़ की होगी, वो देगा ना कम से कम, कि उसको उसका बजट होएगा इतना, नहीं तो वो देगा ही नहीं कोई मेरे को। तो मैंने सोचा भाई किसकी शादी होगी 20 करोड़ से ऊंची वाली शादी। तो मैंने क्या क्या निकाला, सारा गुटखा, सारी विस्की, सारा बिल्डर्स, सारा एक्सपोर्टर बेल्ट, कि ये चार तरह के जो कस्टमर हैं इनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो मुझे तो यही कस्टमर चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडियन ओनर्स, ठीक है। फिर ये सोचा ये बंदा कहाँ से शॉपिंग करता है, सारे शॉपिंग एरियाज को रिसर्च किया, तो ये मालूम पड़ा कि जो रिचेस्ट ऑफ द रिच है वो इंडिया में मार्केट ही नहीं करते, डिजाइनर्स उनके घर जाते हैं, वो आते उतरते ही नहीं है मार्केट में जल्दी से, तो आपको मिलेंगे कैसे वो? फिर मालूम पड़ा कि जो बिल्कुल टॉप नॉट शोज होते हैं लाइक ब्राइडल एशिया एंड ऑल, ये उसमें जाते हैं। तो घर में मेरे खाने को पैसे नहीं थे, पर मैंने उस समय के सबसे टॉप नॉट शो को बुक करा, अपना फ्लैट बेचने में लगा दिया, आपको नहीं पता क्या क्या किया, पर मेरे को कॉन्फिडेंस था दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और मेरा फर्स्ट कस्टमर हीरो ग्रुप था, कैन यू बिलीव इट? सेकेंड वॉज जी एंड देन वंदना लूथरा, ये 3 कस्टमर विद इन 1.5 महीने। आपको लगता है यू विल लुक बैक? अपने आप में पूरी पूरी इंडस्ट्री, तो 2003 के अंदर जब मैंने वंदना जी का पहला ऑर्डर किया, तो अपनी पहली गाड़ी खरीदी दिल्ली आके, उसी समय न्यू फ्रेंड्स में रहना चालू किया, और मींस आप सोच नहीं सकते हो व्हाट, जब मेरी पहली, कहाँ 8 गाड़ियों में थी, जब पहली गाड़ी के ऊपर बरसात की पहली बूंद पड़ी, तो मैंने ऊपर देख के बोला हाय मेरी गाड़ी पे पानी ना पड़े। तो इतनी अच्छी लग रही थी वो गाड़ी, क्योंकि वो अपने पैसों से खरीदी हुई थी, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस? और अब ज्यादा नहीं आसान है। अगर एक तरफ कंपटीशन है तो मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, एक तरफ अवेलेबिलिटी बहुत है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, B2B, B2C, एक्सपोर्ट्स, बहुत कुछ खुल चुका है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। एक तरफ आपको ये लगता है कि हर बंदा इसमें काम कर रहा है, तो आप ये समझ लो हर बंदा आज के दिन इसे खरीद भी रहा है। पहले लोग खरीदते नहीं थे, जब आप ना बोले ना तो आप म्यूट रहो, ताकि ये रिकॉर्डिंग अच्छे से हो। आई विल बी पोस्टिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब फॉर यू टू लिसन टू इट अगैन, ठीक है? तो आपको, हु इज माई कस्टमर, वॉट डज दिस कस्टमर बाय, जो ये खरीदता है वो बनाना है। सबसे पहला कस्टमर आपके आसपास के लोग होते हैं,
रिश्तेदारों को थप्पड़ मारने से पहले वो उनको हम बाइंग के लिए नहीं दूसरे तरीके से यूज कर लेंगे, लेकिन वार्म आउटरीच सबसे पहले होती है और फिर वहां से प्रोडक्ट को डेवलप करके उस भाषा को बोलना जो आपके उस कस्टमर को समझ में आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम पता क्या करते हैं सोनली, मैंने आपको पूरा बिजनेस का एक क्रक्स दे दिया, आप समझिए। रचना मेरे पास आई है और रचना मुझे कह रही है मुझे ना बहुत स्टाइलिश पैकिंग चाहिए, और मैं रचना को कह रही हूँ रचना दिस इज वेरी सस्ता, दिस इज वेरी इकोनॉमिकल, विल रचना बाय दिस? नो, शी इज लुकिंग फॉर स्टाइलिश। देन सोनल कम्स टू मी, सोनल कहती है भाई मैं तो पैकिंग सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मेरे समधी नहीं मान रहे, मैं तो ये चाहती हूँ थोड़े में हो जाए। और मैं उसको कह रही हूँ आई एम वेरी स्टाइलिश, बड़ा यूनिक है ये, बहुत डिफरेंट है ये, तो इसमें यूनिकनेस की कीमत है, डिफरेंट होने की कीमत है। विल सोनल बाय दिस मोर, शी विल गिव मी मोर मनी फॉर दिस? नो। तो वो भाषा बोलनी जो आपका कस्टमर सुनना चाहता है और उसमें सच्चाई होना, झूठ बोल के नहीं। झूठ बोल के तो आप एक आधी बार बेच लोगे, बाद में क्या करो? आज के दिन तो एक आधी बार भी नहीं बेच सकते हो क्योंकि उसी वक्त सोशल मीडिया का टाइम है, वो आपको फेसबुक पे ताड़ 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 ऐसा लिखेगा कि आप समझ नहीं पाएंगी। तो कस्टमर प्रोडक्ट एंड एडवर्टिजमेंट एज पर कस्टमर कॉन्वर्जेशन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द बिजनेस। ऊपर ऊपर से हम देखें, is it, are you getting value, are you getting value from this conversation? So yes ma'am. Yes good, ma'am. Thank you. So yes, who ma'am. else will want to ask? Anji, ab aur bataye aap aur thank you ma'am. conclusion hai? Anji ma'am, my name is Charu. Yes Charu. ma'am, as you said, jo abhi aapne bataya, mera bhi abhi thoda time pehle wahi same family issues aur uski wajah se, and I just started thinking कि मुझे भी कुछ करना है, so I'm just very very new to this thing. I मतलब अभी तक वही जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा कुछ जैसे दिवाली पर बना के दिया किसी को, फ्रेंड्स का अपने डॉटर का बर्थडे था उसके लिए गिफ्ट अवे दिया, बट वेन आई स्टार्टेड लाइक लिटिल बिट रिसर्चिंग एंड वो, तो देन आई रियलाइज्ड कि सिर्फ मार्केट से कहीं से भी सामान खरीद के वो बनाना, इट्स मतलब उस तरीके से बिजनेस नहीं बन सकता वो, थोड़ा सा आप किसी के लिए चार बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, मतलब और जस्ट फॉर फेस, मतलब एक फेस वैल्यू, एक गुडविल के लिए सामने वाला आपसे ले लेता है वो भी. तो आपका क्वेश्चन क्या है चारू? मैम मेरा क्वेश्चन है कि इसके लिए जैसे मतलब सोर्सिंग कैसे होती है, मतलब सोर्सिंग कैसे होती है इसके लिए, क्योंकि इफ वी अप्रोच समवन, हर किसी का आज के टाइम में देर आर MOQs, बट अभी मेरे पास मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि आई डोंट हैव अ क्लाइंट बेस और आई कैन नॉट बाय इट, मतलब नंबर्स, आई कैन नॉट परचेज नंबर्स राइट आई नाउ. गॉट इट. सो चारू इज योर क्वेश्चन दिस, नंबर वन फ्रॉम वेयर टू सोर्स, नंबर टू फ्रॉम वेयर टू सोर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. इन सोर्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज मैम, एंड मतलब इनिशियल हाउ टू क्रिएट दोज, एक बोलते हैं ना कि सैम्पलर्स फॉर टू शोकेस दैट ओके आई कैन गिव यू दिस, मतलब मेरा प्रोडक्ट का या मेरी USP ये चीज है. हाँ, तो उसके लिए आपने ऑलरेडी अपने डिजाइन आइडियाज एंड ऑल सब सोचे हुए हैं? मैम हाँ, मतलब दे आर ऑल इन द माइंड राइट नाउ वर्किंग, आई बॉट सम थिंग्स, वही वाली चीज है कि रैंडम चीजें हैं अभी मेरे पास बहुत सारी. तो ओके, सो देयर आर टू थ्री थिंग्स व्हिच यू आर आस्किंग. वन इज कि मुझे स्मॉल आइटम सोर्सिंग मीन, ताकि मेरी सैम्पलिंग के लिए मुझे ज्यादा पैसा नहीं लगे यस एंड आई मैम. एम एबल टू क्रिएट अ होल प्रेजेंटेशन फॉर माय क्लाइंट, राइट? यस मैम. है ना? और उसके बाद में आप ये भी फील कर रही हैं, लिमिटेड फील कर रही हैं कि मैं क्या चीजें कैसे लूं, क्या लूं, कैसे करूं. यस मैम. थैंक यू चारू, आई जस्ट आंसर योर क्वेश्चन. एंड फॉर एवरीबॉडी, हाउ मेनी ऑफ यू फील लिमिटेड? हाउ मेनी ऑफ यू फील लिमिटेड कि सामान नहीं मिलता, चीजें नहीं मिलती, सुंदर चीजें नहीं मिलती, मैं तो छोटे शहर में हूं या मैं बड़े शहर में हूं, ये नहीं.
How many of you feel that so many people, you can use chat, you can use anyway. Now, what is more powerful? Powerful क्या है कि मैं जिसको छू वो सुंदर हो जाए और वही सेलेबल बन जाए, कि मैं सेलेबल चीजें लू वो सेलेबल होगी. वॉट इज मोर पावरफुल? To create things, mom, that become sellable. Ordinary to extraordinary जा रही है. Extraordinary to extraordinary means कोई भी चीज को मैं ब्यूटीफुल कर सकूं, किसी भी चीज को मैं सेलेबल बना सकूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ट्रेन आवर सेल्फ इन टू दैट, कि मैं बियॉन्ड मटीरियल सोचूं, बियॉन्ड मटीरियल. तो हम जब डिजाइन करते हैं, पहली बात तो ये, हम कलेक्शन नहीं डिजाइन करते, हम एट रैंडम. आपने क्या बोला, मेरे दिमाग में चल रहा है, और ये दिमाग में पता है कहाँ से चल रहा है, पिंटरेस्ट पे देखकर, इंस्टाग्राम पे देखकर. तो आपने कुछ पिंटरेस्ट से देखा, कुछ इधर का हाथ, इधर का पाँव, इधर का कलर, कुछ अपनी क्रिएटिविटी डाली और एंड वो दिमाग में टक 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 चल रहा है. एम आई राइट चारू? है ना. अब क्योंकि हम वहां पर एक स्पेसिफिक रिबन देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक मोटिव देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक फ्लावर देख रहे हैं, विच वी आर नॉट गेटिंग, वी आर फीलिंग लिमिटेड. एम आई राइट? यस मैम. तो सबसे पहले डिजाइन कलेक्शन करना सीखिए. राइट है ना. तो कह रहे हैं 100% राइट हाथ बनाओ तो चैन, फातिमा कह. तो सबसे पहले आपको कलेक्शन की तरह सोचना है, इंडिविजुअल की तरह नहीं सोचना. हम लोगों का सबका डिजाइनिंग का तरीका अलग होता है, और उसमें सबसे आसान तरीका है मटेरियल ओरिएंटेड डिजाइनिंग. मुझे कुछ मिलेगा, मैं उसको देखूंगी, और फिर हम कैसे डिजाइन करते हैं, आज मैं कुछ नया बनाऊंगी. फिर हम कोई जमीन पे काम करता है, कोई टेबल पे काम करता है, सारा सामान आगे खलेरा डाल लेते हैं, खिंडा लेते हैं सारा सामान. फिर हम बनाते हैं, ये अच्छा लग रहा है, इसको ये लगा, इसको ये कर, इसको यूं कर, इसको अच्छा अच्छा खाली थोड़ा सा यहाँ और डाल दो, अच्छा ठीक, ऐसे करते हैं. दिस इज वॉट वी डू. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, ओके आई एम सिटिंग इन मे, मैं मे में बैठी हूँ, अभी आगे ये त्योहार आ रहे हैं, 4 महीने बाद का भी आज सोच रहे हैं, और मौसम ऐसे बदल रहा है, आज के ट्रेंडिंग मूवीज क्या है, ट्रेंडिंग स्टाइल क्या है, फोरकास्ट कलर का क्या निकला हुआ है, वहां से निकल के व्हाट काइंड ऑफ अ लुक. तो हीरा मंडी एज अ नेटफ्लिक्स इज बिकमिंग अ वर्ल्ड रेंज. सो कैन आई पिक अप समथिंग फ्रॉम देयर एंड मेक. सो नंबर वन, थिंकिंग लाइक अ कलेक्शन, थिंकिंग लाइक अ ओरिजिनलिटी ऑफ द डिजाइन रादर देन द मटीरियल. वहां से आपके डिजाइन यूनिक बनेंगे. शुरू में थोड़ा स्ट्रेस होगा, पर वहां से यूनिक बनेंगे, क्योंकि वो मटीरियल के दायरे से बाहर निकल के बनेंगे, सोच से मटेरियल के लिए बनेंगे. सेकेंडली, जो चारू का ये क्वेश्चन है, स्मॉल क्वांटिटीज. हम बिजनेस शुरू करने से पहले ही होलसेलर्स को खोजना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि होलसेलर से बाइंग हम कर ही नहीं सकते, उसका प्रोडक्शन यूनिट इस चीज के लिए सक्षम नहीं है कि वो आपको स्मॉल क्वांटिटी दे. लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वो बेच रहा है, वो आपको स्मॉल क्वांटिटीज दे सकते हैं. हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो टू चांदनी चौक एंड दे बाय लॉट ऑफ रोल्स ऑफ रिबन. चाहिए उन्हें 2 मीटर होता है, वो लेते हैं 25 मीटर का रोल, 50 मीटर का रोल, सस्ता पड़ता है उन्हें. बट डाउन द लाइन जब भी उनको डिजाइन करने के लिए बोलो, वो कहते हैं भाई ये रिबन पड़ा है, हम इसी से डिजाइन करेंगे. उनकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है. मैं तो अपना बता सकती हूँ मैं कैसे करती हूँ. मैं पहले अपना डिजाइन सोचती हूँ कि मैंने बनाना क्या है, और ये कोई डिजाइन, कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल ओरिजिनेटेड हो, दिस कैन बी अ थॉट प्रोसेस फ्रॉम एनीवेयर. फिर मैं ये देखती हूँ कि इसके लिए मुझे क्या मटेरियल चाहिए, और मैं सबसे महंगी शॉप्स में जाती हूँ सबसे पहले. सबसे क्यों, वो महंगा क्यों बिक रहा है, वो सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वहां पे वैसा कस्टमर आ रहा है जैसा मुझे चाहिए. तो मैं पहले वहां जाके देखती हूँ कि इनके पास क्या है, क्या नहीं है, महंगा है. उसको देखने के बाद में अब तो मेरी बैंडविड्थ है, मैं अपनी सैम्पलिंग वहीं से लेती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अगर आप बल्क में लेना होगा तो क्या करेंगे आप, वो भी कुछ कम करते हैं. लेकिन वहां से लेके फिर मैं उसकी होलसेल सोर्सिंग बाद में देखती हूँ, पहले नहीं देखती, नॉट इनिशियली. अगर मेरा बॉर्डर उसी रेट पे बुक होता है तो मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन कस्टमर मिल जाएगा, आई बाय फ्रॉम देयर.
लेकिन अगर मेरी प्रोडक्शन एंड ऑर्डर बुकिंग में टाइम होता है तो मैं उसका होलसेलर खोज लेती हूँ कि मुझे वहां मिलेगा, अदरवाइज देर इज नो वे. देन इफ यू आर इन दिल्ली, सो दिल्ली के अंदर सदर और चांदनी चौक में बहुत सारे शॉप्स अब ऐसे हैं जो दो दो एक एक पीस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऑनलाइन अगर आप टाइप इन करो गिफ्ट पैकेजिंग होलसेल और ट्रेज या बॉक्सेस, तो वहां पे भी सब हैं, वो आपको एक एक पीस देंगे. लेकिन हाँ, वो आपसे 200 रुपए के पीस के 300 रुपए लेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दे विल टेक. लेकिन सैम्पलिंग के लिए ये आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, क्योंकि अगर आप एक पीस लोगे तो वो पैसा तो थोड़ा सा ज्यादा आपसे लेंगे. पर शॉप्स हैं, हम ना, हम सबको पता क्या लगता है, शालिनी मैम के पास में जरूर कोई छुपा हुआ कारीगर होगा, इसके पास कोई ये छुपा होगा, ऐसा नहीं है. एवरीबडी हैज कम ऑन इंस्टाग्राम. मैंने जब लास्ट टाइम गिफ्ट एक्सपो किया, मेरे 19 कारीगर मुझे वहां मिलने आए, बिना पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ गए हैं, नाउ दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, राइट? तो वो लोग वहां पर आए. तो ये सारे कारीगर, दे आर ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम एंड चैट जीपीटी आर टू प्लेटफॉर्म्स जो आपको बहुत सारा रिसर्च दे सकते हैं. तो आप इंस्टाग्राम पे जाके लिखे बॉक्सेस होलसेल, ट्रे होलसेल, रिबन्स, बीड्स, जो लिखोगे आपको उसका मिलेगा, यू विल गेट इट. और वो आपको एक एक दो दो पीस भी देते हैं. चारू, हैव यू ट्राइड दिस? मैम कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा चीजें आई हैव क्रिएटेड, आई हैव पिक्चर्स ऑफ देम, सो मे बी आफ्टर दिस आई कैन शेयर इट विद यू कुछ. सो दैट्स अनदर थिंग. लेकिन माई क्वेश्चन, हैव यू ट्राइड बाइंग फ्रॉम द होलसेलर्स ऑन इंस्टाग्राम? मैम होलसेलर्स से तो नहीं, बट मतलब फ्रॉम सर्टन शॉप्स, मतलब जो बेच रहे हैं नहीं, उनसे वहां पे खरीदा है. वो होलसेलर है, उनसे बात करो ना, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल है, टॉक टू देम, यू विल कम टू नो वॉट लेवल दे आर वर्किंग, दे आर प्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स और नॉट. एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम, सारा फ्लैट हो गया बिल्कुल, कोई अलग नहीं रहा, नोबडी ठीक इज सेपरेट नाउ, एवरीथिंग इज फ्लैट. ठीक ठीक है है ठीक चारू, डज इट ठीक है. आंसर योर क्वेश्चन बच्चा? यस मैम. लेकिन आपको मैं फिर बताऊंगी, डिजाइन डिजाइन करना और डिजाइन अगर मटेरियल से शुरू हो रहा है तो एक तरफ से आसान और एक तरफ से बहुत मुश्किल है. आसान क्योंकि आपके पास सामने मिल रहा है, आपने बना दिया. मुश्किल बिकॉज आप सारी जिंदगी मटेरियल ही खोजते रहोगे, मटेरियल ही खोजते रहोगे, मटेरियल ही खोजते रहोगे, और जब तक आप मटेरियल बेस्ड करोगे यूनिक नहीं बना सकते. बाजार में तो वही मिलेगा जिसको सब खरीद सकते हैं, हाउ कैन यू मेक यूनिक इफ यू आर बेस्ड ओनली ऑन मटीरियल? So you have to think of the concepts, you have to think of what your client will buy and then design from there. ओके यस Yes, जीवन, थैंक यू. जीवन, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आपका हैंड रेज्ड है. एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग? शिवानी? यस यस शिवानी. मैम. तो जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर कि आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस बिजनेस अभी तक, तो मतलब इसका फ्लो क्या होगा अगर मुझे ये स्टार्ट करना है, तो व्हाट विल बी द फ्लो टू स्टार्ट दिस बिजनेस? वंडरफुल, बहुत एक अच्छा और एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. हाउ डू आई गेट इन टू दिस बिजनेस? सबसे पहले शिवानी, दिस इज फॉर हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू नो दिस, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू नो दिस कि वॉट इज द फ्लो ऑफ द बिजनेस? आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी इन एवरीबडीज माइंड. जो सक्सेसफुल नहीं है और कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है. आई रिक्वेस्ट ऑल, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार अनम्यूट करते हैं, एंड जो भी बोलना चाहेगा दे विल पुट देयर नेम एंड आई विल अनम्यूट देम. ठीक है, आई विल अनम्यूट. अब मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस बिजनेस. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस इज व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस. अगर आप टाइम है, मैं सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ एवे ही कर रही हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ सिर्फ इसलिए मैं कर रही हूँ, तो मत करना. कोई भी बिजनेस केक वॉक नहीं है, हर बिजनेस में मेहनत करनी पड़ती है. तो अगर आपके मन में जज्बे के अंदर बहुत एम्बिशन, बहुत कुछ करने की जरूरत, एक वाई, क्यों मैं करना चाहती हूँ, सबसे पहले आपका वो मजबूत होना चाहिए, ताकि बिजनेस के जब अप डाउन आए तो भी आप काम अच्छे से कर सके, आप निकले नहीं उसमें से. कोई कोई बिजनेस ऐसा है, यूज चैट नाउ, कोई भी यूज ऐसा, कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें लो नहीं होएगा? हर एक बिजनेस में लो हाई होगा ना, कि नहीं होगा? तो जीतेगा कौन, जीतेगा कौन? जिसका क्यों, मैं बिजनेस क्यों कर रही हूं, वो मजबूत होगा. पीपल टेल मी, तुम 64 क्यों, तो भी तुम काम कर रही हो.
हाँ मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करना, तो यस निकिता ठीक है हाँ, तो हाँ बट गुड टू सी यू राइट। तो मुझे अच्छा लगता है कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करना। मेरा क्यों है ये कि अगर इंडिया के विमेन काम करने लग जाएंगे तो इंडिया का जीडीपी ग्रो हो जाएगा। गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक बून है, एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, तो मेरा सब कुछ वहां से ड्राइव हो रहा होता है। ठीक है, तो नंबर वन दैट इज आपको ये फ्लो है, यस दिस इज द फ्लो। सेकेंड आपको आउटकम क्या चाहिए, हम ये सोचते नहीं है। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, अरे यार फाइनेंशियल कितने पैसे चाहिए, बहुत सारे नो। जैसे मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे 5 लाख रुपया महीने का इनकम चाहिए, तो मुझे हाई एंड क्लाइंट चाहिए, टॉप नॉच क्लाइंट चाहिए, एंड मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ तो मैं सेल्स कर सकती हूँ। तो आपको उस बिजनेस से कितने पैसे कमाने, व्हाट वुड बी योर गोल, इज इट ओनली द मनी और इज इट फेम एंड नेम आल्सो। फॉर मी मनी के साथ में फेम नेम था, तो मैंने फ्रंट में आके बिजनेस खोला। अगर आप ये कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, आपका गोल क्या है, मुझे पैसा चाहिए, नाम से मुझे कोई परवाह नहीं ना हो, तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप सप्लाई में जा सकते हो, आप एज ए डिजाइनर जा सकते हो, आप एज ए कंसल्टेंट जा सकते हो, और बहुत सारे वर्टिकल हैं इसी लाइन के। तो आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, राइट डाउन व्हाट इज योर गोल, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस बिजनेस। पैसा कमाने के साथ में गोल क्या है, लाइफ कैसी देखते हो। तो अगर आप लाइफ देखते हैं कि मैं पैसा कमा के दुनिया घूमूंगी, बड़े इंजॉय करूंगी, लेकिन टीम हम बना नहीं रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, तो पैसा कमा के भी घूमोगे नहीं दुनिया। अगर ये मुझे पहले क्लैरिटी हो कि मैं इस बिजनेस से अपनी जिंदगी को देखती कैसे हूं, तो मेरा फ्लो वहां से बनेगा। थिंक अबाउट इट, टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट कि मैं ये बिजनेस करके, सो राशि सेज आई वॉन्ट टू हैव अ बिग ब्रांड, राशि अग्रीड यू वॉन्ट टू हैव अ बिग ब्रांड, बट देन बिग ब्रांड के साथ आपकी लाइफ कैसे होगी, आर यू गोइंग टू बी फेमस, यू विल बी ट्रैवलिंग, और यू विल बी मेकिंग थिंग्स विद योर हैंड्स, और यू विल हैव अ टीम। ये सारा क्लैरिटी में जब होगा तो आपका फ्लो बनेगा। अगर कोई सप्लाई में जाना चाहता है तो वो क्या सोचेगा, मैं वो चीज बनाऊं जो ठीक दाम की हो और 1 लाखों पीस बिके, एम आई राइट। उसने सप्लाई में जाना है, उसने 100 रुपया 2 रुपए की चीज बना के 3 रुपए में बेचनी, पर लाखों पीस बेचने हैं, तो वो ये सोचेगा मेरा रियल एस्टेट का दाम क्या है, मुझे लेबर कहाँ से मिलेगी, मैं ऐसी कौन सी चीज बनाऊं जिसे बहुत सारे लोग खरीदेंगे। अब वो कह रही है कि मुझे बिग ब्रांड बनाना है, अब मुझे बिग ब्रांड रिलायंस फ्रेश की तरह बनाना है या मुझे बिग ब्रांड अनामिका खन्ना की तरह बनाना है, मीन्स पीपल शुड नो मी। सो इसका मतलब है बहुत एक्सक्लूसिव, अगर मुझे अनामिका खन्ना बनना है तो मेरा सारा फोकस डिजाइन के ऊपर है, मेरा सारा फोकस हाई एंड कस्टमर पे है, मेरा सारा फोकस उसकी मार्केटिंग में है। मैं तो बच्चे छोटे हैं मेरे जी, मैंने काम करना है, मैंने 4 घंटे काम करना है और ऐसे करना है। इफ आई वॉन्ट टू डू दैट कि मैंने 4 घंटे काम करना है, तो इसका मतलब मैं इट्स अ टेम्परेरी वर्क राइट नाउ फॉर मी, मे बी लेटर ऑन आई विल ग्रो। तो उस स्पेस के अंदर ओके, तो मैं दो काम करने वालियों को अपने साथ लगा लूंगी, मैं अच्छे डिजाइन देखूंगी जो रनिंग ट्रेंडिंग डिजाइन है वो बनाऊंगी, पैसा कमाऊंगी एंड आई एम हैप्पी। सो हाउ यू वॉन्ट टू स्टार्ट दैट विल क्रिएट द फर्स्ट फ्लो। हु विल बी योर क्लाइंट, वॉट काइंड ऑफ डिजाइन यू विल मेक, वॉट विल बी योर रूट टू इट, देन आइदर द प्रोडक्ट कम्स फर्स्ट और द क्लाइंट कम्स। अगर क्लाइंट आप पहले लेते हो वो आपके लिए बेटर है। नाउ एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर है, सबसे अच्छा खाना है, लेकिन जहां पर आप बैठी हैं वहां सबका पेट भरा हुआ है, क्या कोई बर्गर खरीदेगा? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, क्या क्या कोई बर्गर खरीदेगा, उसका पेट भरा हुआ है, दे डोंट नीड दैट। तो बेस्ट ऑफ द बर्गर, द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं बिकेगा अगर सामने आपका जो क्लाइंट है वो भूखा नहीं है। आपका सबसे अच्छा का सबसे बेकार प्रोडक्ट है बर्गर, फजूल, लेकिन वहां पे और कोई है ही नहीं, सबको भूख लगी है, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिक जाएगा सारा, क्योंकि सामने बंदा भूखा है, ही इज हंग्री, उसको कुछ नहीं मिल रहा, आपका सड़ा बर्गर ही है वहां पे,
वो भूखा रह नहीं सकता, किधर जाएगा वो, खाएगा। तो मींस आपका जो क्लाइंट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लें कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बी माय क्लाइंट, देन व्हाट विल इस बंदे को जरूरत क्या है, इस बंदे की चाहत क्या है, ये बंदा क्या खरीदेगा, वहां से मैं बनाऊं। तो अगर आपको ये पता हो कि शालिनी वेबिनार के अंदर प्लेन सॉलिड कलर के शर्ट पहनती है लिनन के, जिसकी कीमत 2,500-3,000 के आसपास हो, और आप मुझे अगर ऐसे कलर्स भेजेंगे कि देखो ये बनाया, विल आई बाय और नॉट बाय, बट आई एम अ वुमन, आप साड़ियां भेज रहे हो मेरे को फोटोज कि साड़ियां बहुत अच्छी हैं, बहुत कितनी भी प्रिटी हो, कितनी ले लूंगी, एक आधी, बट शर्ट्स आई कैन बाय मेनी। इज इट शिवानी, यू आर गेटिंग क्लैरिटी, यू आर गेटिंग क्लैरिटी। तो अगर हम अपने क्लाइंट की प्रोफाइलिंग पहले कर लेते हैं, उससे मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट को, एंड देन वो क्लाइंट कौन सी मेरी भाषा समझेगा, फिर वो क्लाइंट कहाँ कहाँ पर है ये समझेगा, वहां से बिजनेस डेवलप होता है, वहां से बिजनेस की ग्रोथ होती है। मेनी टाइम्स यू ऑलरेडी हैव अ प्रोडक्ट, आप कोई काम बहुत अच्छा करते हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा, मैं यहाँ से बिजनेस को रेज करूँ, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। देन यू विल इंक्वायर इस प्रोडक्ट का खरीदार कहाँ है, या इसका प्रोडक्ट का खरीदार है कौन, हु विल बाय दिस प्रोडक्ट। देन यू विल लुक एट कि भाई अपना ये बंदा खरीदेगा, ये बंदा कहाँ है। तो अगर मैंने बहुत कलरफुल कुछ बनाया, बड़ा चटरा पटरा कुछ बनाया, तो मुझे ये पता है कि पंजाब इज द एरिया टू सेल दिस, इट इज नॉट सदर्न इंडिया, इट इज नॉट हैदराबाद, इट इज दिल्ली, एंड दिल्ली ऑनवर्ड्स पंजाब के लोग इसको खरीदेंगे। सो मेरी मार्केटिंग, मेरी सारी डेमोग्राफी, मेरी सारी बूस्टिंग उस हिसाब से होगी। आई मेक समथिंग वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी पेस्टल व्हेन आई नो दैट द बॉम्बे पीपल विल बाय, सो आई मूव देयर। तो आप ये तीन बेसिक हैं फ्लो, देन कम्स योर टीम बिल्डिंग, देन कम्स योर टीम ट्रेनिंग, देन कम्स योर मार्केटिंग सेल्स, पैरेलल चलता। तो सेवन फंडामेंटल्स हैं बिजनेस के, मार्केटिंग सेल्स एचआर फाइनेंस टैक्सेशंस एंड ऑल आ जाता है उसके अंदर, टीम बिल्डिंग आ जाता है उसके अंदर, एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीम आ जाता है, ऑपरेशंस आ जाते हैं। ये सेवन फंडामेंटल्स बनाकर एक बिजनेस बनता है, इट इज लाइक अ साइंस, इट इज लाइक अ साइंस, एंड देन एनीबडी एंड एवरीबडी कैन लर्न इट बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। शिवानी डज इट आंसर योर क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज अदरवाइज लर्निंग बिजनेस इज लाइक आई हैव टेकन ईयर्स टू लर्न इट। हाँ आई जी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया. एज यू सेड कि टीम बिल्डिंग एंड मार्केटिंग, सो सी लाइक अभी अभी मैंने अपना जॉब छोड़ा, आई स्टार्टेड समथिंग एल्स विच डिडंट वर्क. अभी माय कैपिटल इज वेरी लो. आई मैं बहुत अगेन आई वांट टू अर्न, आई वांट टू बी एट एक स्टेज पे जाना है, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट है कि क्या मेरा कैपिटल यूटिलाइज होगा ढंग से कि नहीं होगा. इसमें आपने बोला टीम बिल्डिंग, तो क्या ये सही अप्रोच होगा कि बिजनेस की बिगिनिंग में ही मैं टीम के साथ लेके चलूं, या फिर व्हाट पहले सो या शिवानी, व्हाट बिजनेस आर यू गेटिंग इन टू? अभी दिस इज माय अप्रोच, लाइक इसी में जाना है मुझे हैम्पर ओके, बिजनेस में. सो टीम बिल्डिंग जो होती है ना, टीम बिल्डिंग वो पैरेलली चलती है विद हमारे लिए सफाई वाले जो लोग होते हैं हमारे घर में, मेड्स, वो सबसे पहले वर्क करते हैं। तो आप उनको हायर नहीं करते हो फुल टाइम, आप जब अपने हैम्पर बना रहे होते हैं, पैकिंग लर्न कर रहे होते हैं, तो आप उनको कुछ कुछ सिखाते हैं, और उनको जो 2 घंटे 3 घंटे दिन में उनके पास फ्री होते हैं, उसमें उन्हें पर पीस दे देते हो, सो यू यूज देम एज एंड व्हेन नीडेड, लेकिन यू डेफिनेटली ट्रेन देम सो दैट जब ऑर्डर आए तो वो आपका काम करने वाले बन सके। दिस इज हाउ आई हैव डन, दिस इज हाउ ऑल द स्टूडेंट्स डू, राइट? थैंक यू सो मच. सब, हाँ, सब लोग वहीं से करते हैं इसको। तो एंड यू ऑल्सो डू इट फ्रॉम देयर ओनली, एंड वहां से वो टीम बिल्डिंग चालू जाती है। दूसरे अगर ये बड़ी विडंबना है पर ऐसा ही है, व्हेन मेन आर डूइंग बिजनेस दे डोंट माइंड ऑर्गेनाइजिंग मनी, दे डोंट माइंड बोरोइंग मनी, दे डोंट माइंड क्रिएटिंग अ बिजनेस। व्हेन वुमन डज अ बिजनेस, वो उसके पास एक थोड़े से मुट्ठी भर पैसे होते हैं और वो उसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज करना चाहती है, और
इट इज लाइक मेकिंग अ आलू का सब्जी विद नो धनिया नो खटाई. इट कैन नेवर बी टेस्टी, देन इट विल नॉट सेल. तो जो बिजनेस में अफलातूनी खर्चे नहीं करने हैं बिल्कुल भी, लेकिन जो बिजनेस के लिए एक जेस्टेशन पीरियड है बिजनेस का, कि इतना टाइम लगेगा ही लगेगा उसको ग्रो होने में, राइट? तो उस टाइम के ऊपर इफ यू नीड टू ऑर्गेनाइज मनी, यू शुड ऑर्गेनाइज मनी. लेकिन डर आपको तब लगता है बिकॉज आप अकेले होते हो. पैसा खत्म हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी, कोई डिस्कशन करने को नहीं है, पता नहीं ये तरीका राइट है कि रॉन्ग है, दिस दैट एवरीथिंग. सो इफ यू मेक अ बिजनेस प्लान, यू मेक योर मार्केटिंग प्लान, यू मेक योर क्लाइंट यू नो प्रोफाइलिंग, एंड द डे यू मेक योर फर्स्ट प्रोडक्ट, यू स्टार्ट मार्केटिंग इट, देन देर विल नॉट बी अ फियर फैक्टर. तो और अगर इतना डर है तो जॉब करो, बिजनेस ना करो, डोंट डू. आई विल नॉट सजेस्ट यू कि अगर इतना डर है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ जॉब एंड अ बिजनेस. बिजनेस विल इज अ यो-यो राइड, ये तो ऐसे होएगा ही होएगा. लेकिन अगर हिम्मत कर रही हो एंड यू साउंड वेरी लाइक कंपोज टू मी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बिखरी हुई लड़की है यहाँ पे, तो आप पहले अपना पेपर के ऊपर बिजनेस क्रिएट करिए एंड देन इंक्लूडिंग द मार्केटिंग. हम थैंक यू सो मार्केटिंग, मच. बिकॉज मार्केटिंग इज गोइंग टू गिव यू द ब्लड इन द बॉडी विच विल ग्रो यू पक्का से एक्सपोनेंटली. सो देर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारीगर कहाँ से मिलेगा? सो नंबर वन, कि हमें कारीगर किस चीज का चाहिए, जहां पे उस कारीगर के काम का रॉ मटेरियल होलसेल होता है वहां से आपको कारीगर मिलेगा. सो इफ यू नीड बीट का कारीगर, गो टू बीट होलसेल. यू नीड लेदर का कारीगर, गो टू लेदर होलसेल. जहां से वो उसको प्रिक्योर करता है वहां पे जाके आप अपने कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए, यू विल गेट द कारीगर देयर. गो इंस्टाग्राम लाइव, स्पीक अबाउट योर सेल्फ, मेक हल्ला, बिकम अ ब्रांड. कारीगर खुद चलकर आएगा आपके पास में. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कारीगर इसी तरह से मिलता है, वो इंस्टाग्राम लाइव जाते हैं, सब जाते हैं, कारीगर खुद उन्हें अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है? सो इस तरह से आपको कारीगर मिलेगा. तो वैशाली, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? वैशाली अपने आप को अनम्यूट कर लो आप. हेलो मैम. हाँ जी. मैम मैं ऑलरेडी आपकी 2-3 सेशन अटेंड कर चुकी हूँ, बट स्टिल मेरे पास थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं. लाइक मैं स्टकअप हूँ फाइनेंशियली. इन्वेस्टमेंट कितना और कैसे रहेगा, बिकॉज वहां पे मैं स्टकअप हूँ. आई एम नॉट वेरी फाइनेंशियली साउंड, तो मैं किस तरीके से उसका अप्रोच करूँ. और मतलब छोटे लेवल से एक बार घर से स्टार्ट करने का ही प्लान है. और दूसरा, सैम्पलिंग हमें करनी होती तो वो किस तरीके से करते हैं. तो आपके दो क्वेश्चन हैं कि मैं स्मॉल बजट में बिजनेस कैसे शुरू करूं, राइट? और मैं सैम्पलिंग कैसे करूं, राइट? ठीक है, डन. तो नंबर नंबर वन, नंबर वन, गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस स्मॉल बजट से हो सकता है. होता पता है क्या है, अगर आपकी पॉकेट के अंदर 1 लाख रुपए हैं तो आपको 500 रुपए की चीज महंगी लगेगी? नहीं लगेगी. आपके पॉकेट में 1,000 रुपए ही है तो आपको 500 की चीज महंगी लगेगी, राइट? सो लाइफ में जो दृष्टिकोण है महंगे और सस्ते का, दैट डिपेंड्स अपॉन द मनी वी हैव इन आर पॉकेट, राइट? सो गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस आप किसी भी लेवल से शुरू करने के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको कुछ रॉ मटेरियल लेना है, कुछ कलेक्शन क्रिएट करनी है, और फिर मार्केटिंग के, तो कैशलेस मार्केटिंग के तो बहुत सारे तरीके हैं. सारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशंस एंड एवरीथिंग इज फ्री. दिव्या जैन यहाँ पर है कपूरथला से, एंड शी हैज रिसेंटली डन जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन, एंड दिस गर्ल स्पेशलाइजेशन में, मतलब अच्छा ही, आ जाइए, मैंने बुलाया नहीं, शी इज कम हियर, आई एम सो हैप्पी. शी मेक्स 5 रुपया का चीज ऑल्सो, शी मेक्स 8 रुपया का चीज ऑल्सो, शी मेक्स 10 रुपया का चीज ऑल्सो, एंड शी इज सप्लाइंग. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हर कि ये छोटे बजट के ऊपर, और इसने बहुत डेयरिंग लड़की है, मतलब रानी की झांसी है बिल्कुल, ये झांसी की रानी. तो ये हमारी दिव्या, प्लीज आप आओ. आई वॉन्ट यू टू स्पीक अबाउट योर जर्नी, एंड प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर. या गुड इवनिंग मैम. हाँ,
सो दिव्या कपूरथला से हैं. आई वॉन्ट एवरीबडी टू लिसन टू हर टेल वेरी वेरी केयरफुली. इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ करेज. इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल. एक एक इतनी सेंसिटिव गर्ल कि जो अपनी सास की सेवा भी कर रही है, अपना घर भी देख रही है, अपने बच्चों को भी देख रही है और काम भी कर रही है और पैसे भी कमा रही है. सो दिव्या, पहले तो ये बताओ, छोटे से शहर से हो आप, और आप जो ये लोगों का कहना है कि हम छोटे बजट के अंदर अपने आप को प्रमोट कैसे करें, अपने आप को ग्रो कैसे करें, तो तुमने मैप की टीचिंग्स को कैसे यूज किया, इन्हें बताओ आप. यस मैम. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या एंड माय ब्रांड नेम इज एचएस क्राफ्ट स्टूडियो एंड माय इंस्टा हैंडल इज आल्सो एचएस क्राफ्ट स्टूडियो. तो मैं आई ऑलवेज सेड कि शहर बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता. काम करने का हौसला होना चाहिए, अपने अंदर पोटेंशियल होना चाहिए तो काम हो जाता है. एंड बिजनेस हम छोटे लेवल से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो एक हाइट्स पे पहुंच जाते हैं. एंड जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई हैव इन्वेस्टेड ओनली 5,000 रुपीज फॉर पैकिंग मटेरियल एंड सम कूलिंग स्ट्रिप्स एंड ऑल. बट नाउ आई हैव माई ऑन स्टूडियो, बहुत सारा स्टफ है मेरे पास, बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं. तो द थिंग इज, बिगिनिंग मैंने एक 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करी थी और अपने काम को आगे लेके गई. तो दिव्या, जैसा कि तुम स्टूडेंट है दिव्या मैप प्रोफेशनल कोर्स की, और दिव्या आपने मुझे 1 लाख से ज्यादा रुपए दिए, बिजनेस यस आपने सिर्फ 5,000 से शुरू किया, और फिर यस आपने अपनी ट्रेनिंग में कितने साल तक, आप कोर्स शुरू करने से पहले कितने साल तक आप काम कर रही थी? मैम, मैं कोर्स स्टार्ट होने से पहले 10 साल से काम कर रही थी एज अ क्राफ्टर कम गिफ्ट पैकर. बट नाउ मैं सबको बताती हूँ कि आई एम गिफ्ट पैकिंग डिजाइनर कम क्राफ्टर, क्योंकि क्राफ्टिंग मैंने कम कर दी है, गिफ्ट पैकिंग में ज्यादा आ गई हूँ. ठीक है. और फिर किस प्रकार से आप जॉइंट वेंचर्स कर रही हैं, कोलैबोरेशंस कर रही हैं, कैसे आप मैम, सप्लाई कर रही हैं, हाउ आर यू डूइंग दैट? मैं बी टू बी सप्लाई कर रही हूँ. मैं अपनी अपनी डिजाइन्स बनाती हूँ एंड सेल बी टू बी. मैं कुछ बेकरी शॉप्स पे सप्लाई कर रही हूँ, कुछ गिफ्ट गिफ्ट शॉप्स हैं. मैंने अपनी सिटी में अलग अलग शॉप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है कि उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो गिफ्ट पैकिंग करवाना चाहते हैं, दे कम टू मी डायरेक्टली. मतलब वो पर्सन मेरा नंबर दे देते हैं तो कस्टमर डायरेक्ट मेरे पास आता है. तो मैं ना दिव्या को क्लास में ये बोला गया कि उसे बेकरी शॉप से कलेबरेट करना है, और सारे स्टूडेंट्स को भी बोला गया, और दिव्या ने कई सारी बेकरीज में कई बहुत सारे लोगों से बात की. दिव्या, आप अपना 2 लाइनों के अंदर ये शेयर करो कि कितनी बार और कितनी डिप्लोमेटिकली हंस के आपने उनसे बात की कि अब वो आपसे काम करा रहे हैं सारा. यस मैम, मैं बेकरी शॉप्स पे गई. मेरे सिटी में एक न्यू बेकरी शॉप खुली, दैट इज अ फ्रेंचाइजी वाली, ठीक है. तो मैं गई, मैंने कैसे से, मेरे पास पैकिंग्स होती है, मैं हैम्पर्स बनाती हूँ. होली हैकथन के टाइम पे मैं गई एंड ही सेड कि हमारा तो सारा फ्रेंचाइजी वाला है, कंपनी से ही आता है, हम आपका सामान नहीं रखेंगे. आई सेड ओके. देन घर का सामान लेने के लिए या अपने हैम्पर्स में सामान डालने के लिए मैं जब भी जाती ना, मैं एक ही बात बोलती है कि कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मैं हैम्पर्स बनाती हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट्स डालती हूँ, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो आप? ही सेड नो, हमारे एमआरपी इज फिक्स्ड है, हम नहीं देंगे डिस्काउंट. आई सेड इट्स ओके. एंड लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ वहां पे तो मैंने अगेन हैम्पर्स के लिए कुछ सामान उठाया तो मैंने कहा कि मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे? ही सेड नो. तो मैंने उनको अपने सैम्पल्स दिखाए कि देखो मैंने हैम्पर्स बनाए हैं आपका सामान डाल के. एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट शोइंग इंटरेस्ट ऑन माई प्रोडक्ट्स, माई पैकिंग. तो उसने कहा कि अभी सीजन नहीं है, जब सीजन होगा देन डेफिनेटली आई विल कंटेक्ट यू एंड कोलैबोरेट विद यू, तो आपको ऑर्डर देंगे हम. एंड उसने ये भी कहा कि हम कुछ ढूंढ ही रहे थे कि सिटी में कोई मिले जिसको जिससे हम काम करवा सकें. तो ही अप्रोच मी. सो ही अप्रोच, तो फ्रॉम द पॉइंट कि हमें कुछ नहीं चाहिए, टू द पॉइंट कि यस, हम हमें आपको ढूंढ रहे कोई थे, कि हम आपको ढूंढ रहे थे, कोई पैसे नहीं लगे इसके अंदर, नहीं बट लगा. हाँ, इसमें कोई पैसे नहीं लगे. सिमिलरली आप काफी मैप स्टूडेंट्स को भी सप्लाई कर रहे हो, और Yes. वहां से भी आपकी ग्रोथ है. सो दिव्या, व्हाट इज योर एम्बिशंस? मैम, मेरे एम्बिशंस हैं कि नेशनल से इंटरनेशनल होना है एंड
इंडिपेंडेंट में हुई। आप ये हाँ देखो, अभी तक वो कपूरथले में काम करती थी, अब वो क्लास में नेशनल हो गई है, अब वो इंटरनेशनल होना चाहती है। कैन वी ऑल अप्लॉज फॉर दिव्या, कैन वी ऑल अप्लॉज। तो वैशाली, वाई आई गॉट हर इन, थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। वाई मैम। आई गॉट हर इन वॉज कि जो ये क्वेश्चन एक होता है कि हमारे पास फंड्स कम है और हम उससे ग्रो कैसे करें, तो आप ये समझो कि जो एक बेसिक बिजनेस की नीड्स है वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। सो मींस अगर रील को बूस्ट करना है, इंस्टाग्राम को आप प्रमोट करना है, दैट यू नीड टू डू। ऑल ऑफ यू आर हियर थ्रू इंस्टाग्राम, एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन, आई कैन सी वेरी फ्यू ऑफ यू। सो तो एवरीबडी ऑफ यू यूज द चैट, दैट एवरीबडी ऑफ यू आर फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो मैंने वहां पर उसकी डिमांड थी बूस्टिंग करने के लिए कि उसको मैं करूं, तो वहां से आप लोग मुझे देखेंगे, आप लोग यहाँ आएंगे, एंड देन आई एम टॉकिंग टू यू पीपल रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग योर एम्बिशंस, एवरीथिंग। सो मेनी पीपल आर सेइंग यस यार, ओके। तो बिजनेस करने के लिए हमारे पास फंड ज्यादा हो या फंड कम हो, उन रिसोर्सेस को ऑप्टिमाइज करके यूज करना नंबर वन, और जो बिजनेस की जरूरत है उसको पूरा करना, नहीं तो जो थोड़े पैसे वो भी खत्म हो जाने हैं। क्यों? हम किसी से सलाह मशवरा नहीं करते, हमारे जीवन में कोई कोच नहीं है, हमें बिजनेस करना आता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने जैसे दिल करता है करते हैं। व्हेन दैट मनी इज लॉस्ट, इट्स लॉस्ट। तो इजंट इट बेटर टू डू इट इन अ प्लान्ड वे एंड देन अर्न आउट ऑफ इट। मैं जब आई कानपुर से और मैं पैकिंग के बिजनेस में, मैंने तो पूरा फ्लैट सेल करने लगा दिया था, क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर। मैंने पहले बिजनेस प्लान बनाया, मैंने उसकी पूरी प्लानिंग करी, उसके बाद मैंने ये रिस्क लिया, नहीं तो नहीं लेती मैं। बट आई प्लान फर्स्ट एंड देन आई डू दैट। सो दिव्याज इंस्टाग्राम इज हियर ऑन द चैट, यू पीपल कैन विजिट हर सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑल्सो, आप उसे देख सकते हैं। देन देयर इज अ क्वेश्चन बाय डिम्पल, मैं मार्केटिंग कैसे करूं और करूं, स्टार्ट कहाँ से करूं, स्टार्ट कहाँ से करूं। हमने डिम्पल बात कर ली बिकॉज शिवानी ने हमसे वो क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम ये बात कर सकते हैं कि हम मार्केटिंग कैसे करें। तो दिस क्वेश्चन इज बाय हूम, डिम्पल। तो डिम्पल को तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, कहाँ है वो। तो बट एनी वे, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मार्केट, दिस वुड बी आर लास्ट क्वेश्चन, इट्स ऑलमोस्ट एन आवर। तो टू मार्केट योर सेल्फ देर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वे। मार्केट कैसे करूं से पहले पता होना चाहिए मार्केट कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे करूं, मार्केट मैं कहाँ करूं जो मेरे क्लाइंट हो। खूब जोर जोर से गाना गा रही हूँ, आवाजें दे रही हूँ, ले लो अल्लाह के नाम पे ले लो, हाँ, लेकिन वो आवाज मेरे कस्टमर तक नहीं जा रही, क्योंकि मेरा कस्टमर जहां मैं ये बोल रही हूँ वहां है ही नहीं। तो सबसे पहले मार्केटिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर है कहाँ। जब आपको ये पता होगा कि आपका कस्टमर है कहाँ, तो आपका प्लेटफॉर्म डिसाइड हो जाएगा, दिस इज माय कस्टमर। एंड देन आपको ये पता होगा वो कौन सी भाषा सुनना चाहता है, फिर आप उस भाषा को बोलेंगे, एंड फ्रॉम देयर द कस्टमर विल कम टू यू। सो सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर से मतलब मेरा ये नहीं है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से नहीं है मेरा मतलब, अथॉरिटेटिव मार्केटिंग, इंटरव्यू मार्केटिंग, जॉइंट वेंचर्स एंड कोलैबोरेशन, अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग, पॉपअप मार्केटिंग, ये सब में किसी में पैसे नहीं लगते हैं। दीज आर ऑल द वेज टू डू योर मार्केटिंग। एक बात बताओ मुझे, आप सबको बिजनेस ग्रो करना है, 50 पीपल यहाँ है, दो तीन हमारी टीम से है, सो ऑलमोस्ट 45 पीपल, 45 यस चाहिए तब कुछ ऑफर करूंगी, पूरे 45 यस चाहिए। एकता, वैशाली, सो नहीं लिखा हुआ यस चाहिए, तो रीमा ने तो सबसे पहले भेजा है कि आई रियली वॉन्ट टू नो। सो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, बिजनेस कहाँ शुरू करूं और कहाँ से कहाँ लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर डिजाइन की शुरुआत कैसे होती है, क्लाइंट क्या होता है, अगर इनका एक आंसर आपको 3 डेज में छोटी सी वर्कशॉप में मिले तो चलेगा, थोड़े से पैसों से, लेकिन दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी। तो मैं अपना मेन प्रोग्राम आपको ऑफर नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप में से कम 10 जनों ने ये पूछा है कि इसका पूरा फ्लो क्या है, तो मैं आपको एक 5 आइलैंड्स दिखाती हूँ।
फाइव आइलैंड्स ये है, तो चारू यू हैव ज्वाइंड इट, आपने करा ये प्रोग्राम 3 डेज का? एक मिनट चारू, आई जस्ट जस्ट 1 मिनट, अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम, आई हैव जस्ट डन इट यस्टरडे, सो टुमारो आई बिलीव इट्स स्टार्टिंग फॉर 3 डेज, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे. हाँ आपने भी ज्वाइन करा है हाँ राइट? जी मैम, हाँ यस इट मैम. इज स्टार्टिंग, हाँ गुड, इट इज स्टार्टिंग, यस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल पीनट्स रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको एक्सपीरियंशियल लेवल पे मिले। मींस एक मैं आपको कट पेस्ट बता रही हूँ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और एक मैं एक छोटे से 3 दिन के प्रोग्राम में आपको कह रही हूँ ये करो अभी, करो डू इट नाउ, अभी करो डू इट नाउ, और वो 3 दिन आप करोगे वहां पर, तो आप ज्यादा सीखोगे कि नहीं सीखोगे? एक्सपीरियंशियल लेवल पे सीखोगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर एब्सोल्युटली न्यू एंड वॉन्ट टू लर्न कि मुझे ग्रो करना है, और वो, और थोड़े से हम एक महंगा प्रोग्राम खरीदें, हम सारे पैसे उसके अंदर लगा दें, ये कर दें वो कर दें, उससे बेटर है कि हम एक 3 डोज का छोटा सा प्रोग्राम करें और उसको एक्सपीरियंस करें, उसको एक्सपीरियंस करें इन अ वे कि जो आपको लगता है कभी काम ही नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ऑफलाइन इज बेटर, ऑनलाइन इज नॉट बेटर? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ऑफलाइन बेटर होता है? जी सामने होना चाहिए बंदा को, ऐसे सिखाएगा ऐसे सिखाएगा ये करेगा वो, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट, है ना? सो 3 दिन का प्रोग्राम मैं आपको दूंगी बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर, और उस 3 दिन में आपको कुछ चीजें जो पता लगेंगी वो ये है, गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री को शुरू कैसे किया जा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, उसके लिए आप में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, कैसे करना है। हाँ और मैं आपको ऑनलाइन का ही बता रही हूँ, और ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है मैं आपको उसका कोर्स कंटेंट भी बताती हूँ अभी। तो आप पहले इसी के बारे में जानो, लास्ट डे मैं आपको 5 आइलैंड्स बताऊंगी, हाउ द बिग गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री मूव्स लाइक दिस। तो हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू, हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू रियली एक्सपीरियंस एंड देन स्टार्ट? और या मैं अगर नहीं काम कर पा रही हूँ तो क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी कोर्स कंटेंट, सो दैट देर इज अ क्लैरिटी ऑन यू कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? तो इसको हम बोलते हैं मैप मिनिएचर प्रोग्राम। क्यों बोलते हैं मैप मिनिएचर प्रोग्राम? कि मैप में जो 2000 लोगों को मैंने सिखाया उसका छोटू सा रूप है। आप अगर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, राइट? पहले दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आज भी मैंने शुरू किया माइंडसेट, कि हमारा एक मजबूत माइंडसेट होना जो हमें बिजनेस के धूप छांव से आगे लेके जाए। उसके बाद हम करेंगे मटेरियल एक रूप अनेक, लिमिटलेस क्रिएटिविटी को क्रिएट करना, प्रैक्टिकल काम करोगे आप यहाँ पे। देन आप करेंगे वर्सेटैलिटी ऑफ मटेरियल, पूछा था ना अभी किसी ने मटेरियल कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सो वर्सेटैलिटी ऑफ मटेरियल ये जो होगा ये आपको, आप खुद काम करेंगे, आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे जिसे मैं देखूंगी, आई विल बी रिव्यूइंग इट ऑन द व्हाट्सएप, आप एक ग्रुप में होंगे। डे टू को हम करेंगे कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनता है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे आज सारे कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये मटेरियल का कैसे होगा। फिर हम सीखेंगे लो कॉस्ट हाई मार्जिन, थोड़े पैसे लगा के ज्यादा पैसा हम कैसे कमाएं। कौन कौन कमाना चाहता है थोड़े पैसे लगा के ज्यादा पैसा? हु वॉन्ट्स टू अर्न, हु वॉन्ट्स टू क्रिएट कलेक्शन, जल्दी से बताओ, हु एल्स वॉन्ट टू डू दैट? एंड देन कम टू क्रिएटिव वेज टू डू रीपर्पजफुल पैकिंग, मीन्स डे टू में रीपर्पजफुल मीन्स जो आप बार बार यूज कर सकते हैं, कस्टमर उसको यूज करके हैप्पी होता है। तो डे वन में 3 डेज प्रोग्राम है, डे वन में हमने अपने अपने ऊपर काम किया सबसे पहले, उसके बाद में हमने ये देखा कि जो ये कॉमन मटेरियल मिलता है उससे मैं एक्सक्लूसिव चीजें कैसे बना सकती हूँ, क्लैरिटी। फिर हमने ये देखा कि मैं वर्सेटैलिटी कैसे क्रिएट करूं। देन डे टू को हम आ गए, डे टू में आए रीपर्पजफुल पैकिंग, हमने सीखा यहाँ पे कि भाई हम इसको कैसे बनाएंगे ताकि हमारे कस्टमर को वो चीजें वेस्ट ना लगे बिल्कुल भी। एंड देन वी विल आल्सो लर्न टू डू लो कॉस्ट हाई मार्जिन प्रोडक्ट, और फिर हम देखेंगे कि कलेक्शन कैसे क्रिएट करना है। डे
3, अब क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, हाँ, हम अब इसे बेचना शुरू करना चाहते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज सीखेंगे, जो कि आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे चीजें बहुत आसान हो गई हैं, पहले डिजाइन करना मुश्किल था, पहले बहुत सारी चीजें मुश्किल थी, अब बहुत आसान हो गई है। फिर हम एक मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, आज आप लोग ये भी जानना चाहते थे कस्टमर कैसे लाए, मार्केटिंग प्लान कैसे बने। फिर हम मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, गोल्स की बात करेंगे, टारगेट ऑडियंस की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे वैल्यू प्रपोजिशन। अरे भाई, जो आदमी खरीदेगा वो तब खरीदेगा जब उसको उसमें कीमत नजर आएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री टू दिस, कि वो तब खरीदेगा जब उसको उसमें कीमत नजर आएगी कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू टेक। और फिर मैं आपको अपने बड़े प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, फास्ट ट्रैक के बारे में बताऊंगी। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ गुड वे कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करें 3 डेज का, उसमें काम करें साथ में, और देन आई डिसाइड कि भाई मैंने इस बिजनेस में जाना है, कैसे ग्रो करना है, या मैं अपना एक बड़ा प्रोग्राम करूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग टू दिस? सो आई कांट सी ऑल ऑफ यू, आई कैन ओनली लिसन टू योर चैट, सो यू नीड टू पुट इट ऑन द चैट। हाँ जी, किस किस को चाहिए? पैसे बताऊं कितने लगने हैं? सच्ची में बताऊं, जीएसटी कितना परसेंट है पता है ना? 18% जीएसटी है। जीएसटी को मिलाकर, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, चैट पे देखना क्या लिख रही हूं मैं, 3 दिन का प्रोग्राम और उसके बाद लाइव मेरे साथ, और उसके बाद पोटेंशियल अगर आप बिजनेस कर रही हैं तो 1-to-1 ऑल्सो हियर ओनली फॉर 999। 3 वीडियो प्रोग्राम, 1 लाइव एंड देन 1-to-1, कैसा लग रहा है? हाँ जी, हाउ इज इट? है ना बिल्कुल स्टील, है ना? शैलेश लिक्स ऑसम, अनु सेज ग्रेट, वंडरफुल, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट? वैसे तो बात पूछने को कुछ है नहीं, आपको प्रोडक्ट बनानी आ जाएगी, आपको मार्केटिंग का मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है, आपको अपनी वैल्यू कॉन्वर्जेशन का पता लग जाएगा, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, और आप प्रैक्टिकली करोगे, यू विल डू इट खुद, और करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पिक्चर्स डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, राइट? तो अनु सेज आई वांट टू जॉइन इट, हाउ इट इज? तो आई विल आस्क नौशीन, प्लीज आप पेमेंट लिंक डालेंगे, इज नौशीन है, नौशीन इज आर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। फातिमा सेज गुड लाइन होंगी, हाँ ये सारा ऑनलाइन है, मैं अभी आपका फ्रीज कर रही हूँ, मैंने आपका चैट फ्रीज कर दिया है, आपका चैट मैंने फ्रीज कर दिया है। यू कैन पे थ्रू दिस लिंक और आप ज्वाइन करें, एंड लेट्स हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस, लेट्स हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग दिस। सो आई एम सो हैप्पी यू आर ऑल ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल्सो।